आगे आजमगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अपर्णा यादव करेंगी प्रचार और बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के लिए करेंगी रोड शो। सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है और उपचुनाव के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब छठे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्वांचल की सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट आजमगढ़ में भी नेताओं का आना जाना तेज हो गया है। इसी कड़ी में अब अपर्णा यादव भी चुनाव प्रचार में जाएंगी। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। आजमगढ़ की लड़ाई अब परिवार तक आई। ये सीट समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई है। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ में लगातार प्रचार कर रहे हैं। आप देखिएगा जिस समय चुनाव सातवें चरण पर पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पे दिखाई देगा। जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। परिवार की सीट को वापस पाने के लिए घर की बड़ी बहू यानी डिंपल यादव भी अपने देवर के लिए आजमगढ़ में प्रचार किया था और आजमगढ़ की जनता से उन्हीं के अंदाज में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा था। आजमगढ़ की लड़ाई परिवार पर आई। आजमगढ़ में बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। यादव खानदान की बड़ी बहू डिंपल यादव आजमगढ़ में देवर्स के लिए वोट मांगा था तो परिवार की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव जेठ के खिलाफ और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव के लिए वोट मांगेगी। आजमगढ़ में अपर्णा यादव की रैली का शेड्यूल तैयार है, पोस्टर छप गए हैं। दोपहर ठीक 1:30 पर मुलायम खानदान की छोटी बहू आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगी और परिवार के खिलाफ गर्जना कर रही होंगी। कई मोर्चे पर अपर्णा परिवार के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये पहली बार होगा जब अपर्णा यादव अपने परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ प्रचार करेंगी। इसके पहले कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद में अपर्णा यादव ने अपने परिवार के लोगों के खिलाफ प्रचार नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए वीरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे से जुड़ गए। वीरेंद्र, अपर्णा यादव का पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए क्या स्केड्यूल रहने वाला है, आज क्या कार्यक्रम? ये निश्चित तौर पर देखिए, आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है। इस चुनाव को लेकर जहां बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में रोड शो दोपहर में निकाला जाएगा, जिसमें अपर्णा यादव इस रोड शो में रहेंगे, जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए चुनाव कार्यालय मरज हाल सिधारी से होते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए हाफीपुर चौराहा तक निकाला जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आजमगढ़ की जो लड़ाई है अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अपर्णा यादव पहली बार अपने परिवार के खिलाफ प्रचार करती हुई नजर आएंगी और इसी खबर पर सीधे रुख करेंगे अब लखनऊ का। मयूर शुक्ला भी हमारे से जुड़ गए हैं। मयूर, नाक की लड़ाई अब बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए यहां से ये सीट, और ऐसे में अपर्णा यादव भी आज अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए ये पारिवारिक लड़ाई अब शुरू हो गई है, यादव वर्सेस यादव, यानी कि यादव परिवार की दो बहुएं अब आमने सामने हैं, जहां एक तरफ डिंपल यादव अपने जो देवर है धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, तो वहीं अब निरहुआ के लिए अपर्णा यादव वोट मांगती हुई नजर आएंगी। क्योंकि आजमगढ़ को अखिलेश यादव ने छोड़ा, उसके बाद धर्मेंद्र यादव पर उनकी जिम्मेदारी थी आजमगढ़ की, लेकिन उसको वो निभा नहीं पाए। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको शिकस्त दी और एक बार फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और आज एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें अब अपर्णा यादव उनके लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। तो कन्फ्यूजन आजमगढ़ की जनता में कहीं ना कहीं है कि एक तरफ डिंपल यादव है अखिलेश यादव की पत्नी, दूसरी तरफ अपर्णा यादव है, परिवार तो एक ही है, पार्टी अलग है, तो आखिरकार किसकी तरफ झुकाव हो, और दोनों जो प्रत्याशी हैं वो भी यादव हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी लड़ाई है, हॉट सीट है आजमगढ़ की, और नाक की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि अखिलेश यादव वहां से जीत के आए और उसके बाद अपने चचेरे भाई को जिता
बना नहीं सके और एक बार फिर से अब मौका है उनके सामने कि उनको वहां से जीत हासिल कराएं। लेकिन देखना होगा कि आज अपर्णा यादव क्या कुछ कहती है, क्योंकि बिल्कुल मयूर, और जब जब अपर्णा यादव से उनके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा वो सवालों को टाल जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब खुद की पार्टी के लिए वो प्रचार करती नजर आएंगे उसके प्रत्याशी के लिए। बिल्कुल, लेकिन स्पष्ट रूप से मुखर कभी भी नहीं रही अपने परिवार के खिलाफ, या फिर जो भी परिवार के सदस्य है, चाहे डिंपल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या परिवार के और भी लोग हो, शिवपाल यादव, कभी भी उनके खिलाफ वो बोलती हुई आज तक नजर नहीं आई कैमरे पर। लेकिन आज जब वो चुनाव प्रचार कर रहेंगी तो देखना होगा कि सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करेंगी या फिर अपने परिवार के खिलाफ भी वो बोलती हुई नजर आएंगी। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर आज देखने वाली होगी, और अगर उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ बोला या फिर कोई भी ऐसी टीका के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।